This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. ये video शैक्षिक उद्देश्य के लिए है. इस video में आप जो कुछ भी सुनेंगे वो internet या किसी किताब या किसी documentary से लिया गया है जो जनता के लिए उपलब्ध है. अमेरिका में नस्लवाद का इतिहास काफी पुराना है. गोरों ने हमेशा खुद को काले लोगों से बेहतर ही माना है. कई सदियों तक अश्वेतों ने गुलामों की जिंदगी झेली है. गुलाम प्रथा तो सालों पहले खत्म हो गई, लेकिन आज भी अमेरिका जैसे देशों में अश्वेतों के प्रति लोगों की मानसिकता नहीं बदली है. 20वीं सदी में तो ये भेदभाव अपने चरम पर था, जिसका उदाहरण है 1944 का वो मामला जिसमें 14 साल के बच्चे को उस गलती के लिए सजाए मौत दे दी गई जो उसने कभी की ही नहीं. जॉर्ज स्टिनी, जिसे अश्वेत होने की सजा कानून ने मौत की सजा के रूप में दी, ये केस अमेरिकी कानून के इतिहास में एक काले धब्बे के रूप में है. आज की कहानी है जॉर्ज स्टिनी की. 14 साल का जॉर्ज एक अफ्रीकन अमेरिकी यानी अश्वेत था. उसकी पहचान एक शरारती और लड़ाकू लड़के के रूप में थी. जॉर्ज अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ साउथ कैरोलिना के अलकोलू शहर में रहता था. उसके पिता एक सॉमिल में काम करते थे और कंपनी हाउसिंग में ही उनका परिवार रहता था. अलकोलू एक छोटा सा शहर जहां गोरे और काले लोगों के घरों को रेल की पटरियों से अलग किया जाता था. इनके स्कूल और चर्च भी अलग अलग ही थे, इसी वजह से इनके बीच आपसी संपर्क ना के बराबर था. 23 मार्च 1944 का दिन था. जॉर्ज अपनी बहन कैथरीन के साथ खेल रहा था, तब वहाँ दो गोरी लड़कियाँ साइकिल पर आईं. ये थी 11 साल की बेटी जून बिनिकर और उसकी दोस्त 8 साल की मैरी एमा थॉमस. ये दोनों एक खास फूल मैपॉप्स की तलाश में भटक रही थी. मैपॉप्स पैशन फ्लावर का ही एक लोकल नाम था. इन्होंने जॉर्ज से उस फूल के बारे में पूछा कि क्या उसे पता है ये फूल कहाँ मिलेगा. जॉर्ज हामी भरते हुए उन लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चल पड़ा. कैथरीन भी उनके साथ ही थी. कुछ देर बाद जॉर्ज और कैथरीन घर वापस लौट आए, लेकिन दोनों लड़कियां शाम होने तक भी अपने घर नहीं पहुंची. तब उनके घर वालों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया. उन्हें पता चला कि आखिरी बार उन्हें जॉर्ज के साथ देखा गया था. बेटी व मैरी के माता पिता जॉर्ज के घर पहुंचे. पूछने पर जॉर्ज ने बताया कि वो उन्हें फूल वाली जगह पर छोड़कर वापस आ गया था. इसके बाद उसे नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गई. तब जॉर्ज के पिता भी सबके साथ लड़कियों को ढूंढने निकल पड़े, लेकिन वो दोनों कहीं नहीं मिली. अगली सुबह दोनों लड़कियों की लाशें रेलवे ट्रैक के पास जंगल में मिली. दोनों के सिर बुरी तरह से फटे हुए थे, जैसे किसी भारी चीज से दोनों पर हमला किया गया हो. मामला पुलिस तक पहुंचा. इसके बाद कैरोलिना पुलिस जॉर्ज के घर पहुंची और वहां से जॉर्ज और उसके 17 वर्षीय भाई जॉनी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले गई. कई घंटों की पूछताछ के बाद जॉनी को तो पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन जॉर्ज को हिरासत में ही रखा गया. अगली सुबह ही पुलिस ने डिक्लेयर किया कि जॉर्ज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, कि दोनों हत्याएं उसी ने की हैं. कारण पूछने पर पुलिस ने कहा कि जॉर्ज बेटी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि मैरी के साथ रहते ये नहीं हो सकता, तो उसने मैरी को पत्थर से मारने की कोशिश की. इसी बीच दोनों लड़कियां उससे भिड़ गई. तब जॉर्ज ने एक भारी लोहे के बीम से उनके सिर पर जोर से वार किया, जिससे दोनों की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक चोट इतनी भयंकर थी कि उनके सिर के कई टुकड़े हो गए थे. उस वक्त के काउंटी डिप्टी ऑफिसर H.S. न्यूमैन ने एक रिटन स्टेटमेंट जारी किया, ये कहकर कि ये जॉर्ज का कबूलनामा है और उसने अपनी गलती मान ली है. लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस लिखित बयान पर जॉर्ज के सिग्नेचर ही नहीं थे. जॉर्ज के परिवार ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अरेस्ट करने के बाद किसी को भी जॉर्ज से मिलने नहीं दिया गया. बहन कैथरीन ने भी घटना वाले दिन उसके साथ होने की बात कई बार कही, लेकिन ये भेदभाव का ही असर था कि उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और ना ही किसी ने उनकी मदद की. मॉब लिंचिंग के डर से, जो उस समय काफी आम बात थी, जॉर्ज को कोलंबिया की जेल में लगभग 3 महीने तक रखा गया. इस दौरान भी घर वालों को उससे मिलने नहीं दिया गया. इस बीच जॉर्ज के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया. उनसे कंपनी का किराए का घर भी खाली करा लिया गया. 81 दिन के बाद इस केस की सुनवाई शुरू हुई, जिसके लिए एक ज्यूरी का गठन किया गया. एक ही दिन में कोर्ट ज्यूरी का प्रोसेस पूरा कर लिया गया. आनन फानन में ज्यूरी मेंबर्स तय किए गए और वो सभी मेंबर्स गोरे थे. ये भी भेदभाव का ही हिस्सा था. कोर्ट रूम में उस समय सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी भी अश्वेत या ब्लैक को आने की इजाजत नहीं दी गई थी. सारी कार्यवाही 2.5 घंटे में ही पूरी कर ली गई. जॉर्ज के खिलाफ सिर्फ 3 गवाह पेश किए गए. ये तीनों गोरे थे. पहला वो शख्स जिसने लड़कियों की लाशों को देखा था, बाकी 2 गोरे डॉक्टर जिन्होंने उन लाशों का पोस्टमार्टम किया था. हाँ, रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया कि किसी भी लड़की के साथ रेप नहीं हुआ था. जॉर्ज की तरफ से चार्ल्स प्लॉन्डन नाम का वकील असाइन किया गया. वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था. अब क्योंकि वहाँ गोरे लोगों का दबदबा था, इसलिए वो किसी गोरे को नाराज नहीं करना चाहता था. इससे उसका पॉलिटिकल कैरियर खतरे में पड़ सकता था.
जॉर्ज की तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया गया। वकील ने कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं की। पूरी सुनवाई के दौरान उसने बस यही कहा कि जॉर्ज को एक अडल्ट की तरह ट्रीट ना किया जाए, जबकि उस समय के कानून के हिसाब से 14 साल की उम्र वालों को अडल्ट ही माना जाता था, इसलिए उसकी ये दलील खारिज कर दी गई। इस पूरी कार्यवाही के दौरान जॉर्ज को कुछ भी बोलने या अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं दिया गया। जूरी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, केवल पुलिस की गवाही पर ही अपना फैसला सुनाया। जूरी के फैसले के बाद जज ने भी सिर्फ 10 मिनट में ही जॉर्ज को गिल्टी डिक्लेयर करके मौत की सजा सुना दी। जॉर्ज के वकील ने भी सजा के खिलाफ कोई अपील नहीं की। इस सबके दौरान जॉर्ज की फैमिली को किसी तरह की मदद नहीं मिली। उन्हें डरा धमका कर पहले ही शहर से बाहर कर दिया गया था। जब उन्हें सजाए मौत का पता चला तो उन्होंने गवर्नर से दया की अपील की, लेकिन गवर्नर ने भी उनकी बात नहीं सुनी और ये अपील ठुकरा दी। उस समय अमेरिका में सजाए मौत का तरीका इलेक्ट्रिक चेयर पर करंट देकर मारना था। 16 जून 1944 को सुबह 7 बजे जॉर्ज को एक कमरे में लाया गया। वहाँ बहुत से लोग थे, इनमें मरने वाली लड़कियों के माँ बाप भी थे। जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया गया, उसके हाथ पर कुर्सी से बांधे गए, लेकिन वो चेयर पर पूरी तरह से फिट नहीं आ रहा था क्योंकि वो कुर्सी बड़ों के हिसाब से बनी थी और जॉर्ज सिर्फ 14 साल का बच्चा था। उसकी हाइट भी सिर्फ 5 फीट ही थी। आनन फानन में वहाँ पड़ी किताबों का बंडल बनाकर चेयर पर रखा गया, फिर जॉर्ज को उस पर बिठाया गया ताकि उसका सिर लोहे की कैप तक पहुँच सके। कहते हैं उन किताबों में एक बाइबल भी थी जिसे जॉर्ज के हाथों में भी कई बार देखा गया था। इस प्रोसेस में लगने वाला मास्क जॉर्ज के चेहरे से फिसल रहा था क्योंकि डरा हुआ जॉर्ज लगातार रो रहा था। तब उसके चेहरे को एक टॉवल से लपेटा गया, फिर उसे 5380 वॉट करंट का झटका दिया गया। कहते हैं इस तेज करंट से उस टॉवल में भी आग लग गई थी। आग लगने से उसका चेहरा भी जल गया था। चंद सेकंड्स में ही जॉर्ज की मौत हो गई। 4 मिनट बाद डॉक्टर ने चेक करके डिक्लेयर किया कि जॉर्ज मर चुका है और इस तरह से जॉर्ज दुनिया का सबसे कम उम्र का सजाए मौत पाने वाला शख्स बना। जॉर्ज के परिवार वालों को हमेशा ये मलाल रहा कि उनके बेटे के साथ अन्याय हुआ और उसे बचाने का कोई भी मौका उन्हें नहीं दिया गया। समय बीता, सालों बाद कई कानून बदले जिससे काले गोरे के भेदभाव में कमी आई, तो कई कानून विशेषज्ञों ने 1944 को उस फैसले के प्रति नाराजगी जाहिर की कि ये मामला हमेशा एक तरफा ही रहा। 2004 में अलकोलू में पले बड़े एक इतिहासकार जॉर्ज फ्रीसन ने इस केस के बारे में शोध करना शुरू किया। उनके काम ने कैरोलिना के कई वकीलों का ध्यान खींचा। 25 अक्टूबर 2013 को एक वकील ने स्टिनी फैमिली की तरफ से केस को रीओपन करने और फिर से जांच की मांग की। जनवरी 2014 में फिर से अदालत में इस केस की सुनवाई शुरू हुई जिसमें नए गवाहों को शामिल किया गया। इसमें जॉर्ज के भाई बहनों की गवाही भी शामिल थी। जिस व्यक्ति ने लाशों को सबसे पहले ढूंढा था उसने भी याद करते हुए कहा कि वहां आसपास ज्यादा खून नहीं था, इसलिए शायद लड़कियों को कहीं और मारकर वहां फेंका गया था। इस पूरी जांच में सबसे खास रहा लोहे का वो बीम जिसे मौका वारदात के पास से उठाया गया था और दावा हुआ था कि इसी से दोनों हत्याएं हुई थी। जांच में पाया गया कि उस बीम के टुकड़े का वजन लगभग 20 किलो था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लड़कियों के सर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था, वो भी जोर जोर से कई बार, जिनसे उनकी मौत हुई थी। हथियार के रूप में वही बीम कस्टडी में रखा गया था, हालांकि तब इसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया ये कहकर कि जॉर्ज का कबूलनामा ही काफी है। अब ये सवाल उठा कि 14 साल का दुबला पतला बच्चा 20 किलो के भारी बीम से ताबड़तोड़ वार कैसे कर सकता है। इसके लिए जॉर्ज की कदकाठी और उम्र के कुछ बच्चों से इसका डमी भी करवा कर देखा गया और यही पाया कि ये मुमकिन नहीं है। सभी सबूतों व गवाहों के बाद जज कार्मेन मुलन ने फैसला सुनाया कि 1944 का वो फैसला पूरी तरह गलत था। पूरी कार्यवाही के दौरान जॉर्ज के साथ नाइंसाफी हुई थी, उसके वकील ने भी उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की और ये सब बहुत अमानवीय था। दिसंबर 2014 में इस बात पर मोहर लगा दी गई कि जॉर्ज निर्दोष था। ये फैसला सुनकर अदालत में जॉर्ज के भाई बहन, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, फूट फूट कर रोने लगे। उनका यही कहना था कि उनके भाई को गलत तरीके से उस गुनाह की सजा दी गई जो उसने कभी किया ही नहीं। ये फैसला आने के बाद दुनिया भर में अमेरिका के लिए लोगों में गुस्से का माहौल था। एक तरह से अमेरिका की न्याय प्रणाली पर सवाल ही उठे थे। जनवरी 2022 में साउथ कैरोलिना में जॉर्ज श्रीनी फंड के नाम से एक बिल पेश किया गया जो राज्य में गलत तरीके से सजा दिए गए परिवारों को $10 मिलियन का भुगतान करेगा अगर उनकी सजा गलत साबित हो जाती। जॉर्ज श्रीनी का केस संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी इतिहास में काले अध्याय के रूप में देखा जाता है, जो अश्वेतों के प्रति अन्याय और नफरत का उदाहरण है। मौत की सजा देने के हर मामले में इस केस का रेफरेंस अमेरिका में रखा जाता है ताकि किसी निर्दोष को सजा ना हो।